डियर स्टूडेंट्स दिस इज प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्राम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेलकम टू यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन पर्टिकुलर मैथड्स के बारे में जिसके बेसिस पर हम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन के बारे में डायरेक्टर्स के प्रोविजंस के बारे में और डायरेक्टर्स के रिमूवल के रेफरेंस में डिफरेंट प्रोविजंस को डिस्कस किया था आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं या किन किन मेथड्स को फॉलो करते हुए कंपनी अपने यहाँ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है इसके रेफरेंस में हम टोटल इन सिक्स मैथड्स को स्टडी करेंगे द फर्स्ट मैथड इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स सेकेंड वन इज अपॉइंटमेंट बाई कंपनी पब्लिक मेम्बर्स थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फोर्थ वन इज बाइंटमेंट बाई प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन फिफ्थ वन इज अपॉइंटमेंट बाई द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द लास्ट वन इज द अपॉइंटमेंट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इन हाइडिंग्स के अंडर में हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के मैथड्स को डिस्कस करेंगे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की द फर्स्ट मैथड इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या तरीका होता है तो इसके लिए आर्टिकल में एक रेगुलेशन स्टेटेड होता है और इसके अकॉर्डिंग जिस पर्टिकुलर पर्सन का नाम एज अ डायरेक्टर कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ होता है या अपियर होता है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ओके द फर्स्ट डायरेक्टर सेल बी अपॉइंटेड एज पर द रेगुलेशन स्टेटेड इन द आर्टिकल्स और सेल बी दर्सन हूज नेम अपियर इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी ये तो बात हो गई आर्टिकल्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी का आर्टिकल होता है उसके उसमें इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं दिया होता है यानी कि अगर डायरेक्टर के रिगार्डिंग ऐसा कोई भी प्रोविजन आर्टिकल में नहीं दे रखा होता है तब मेमोरेंडम में जिन पर्टिकुलर पर्सन का नेम एज अ सब्सक्राइबर लिखा हुआ होता है द पर्सनस हु आर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी सेल बी डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उन्हें कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है और वो कंपनी के डायरेक्टर की पोस्ट को तब तक फॉलो करते हैं जब तक कि कंपनी की पहली जर्नल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता है ओके द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम मेमोरेंडम सेल बी डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी द पॉइंट इज क्लियर यानी कि अगर आर्टिकल में पर्टिकुलर पर्सन का नाम अपियर है तो हम उसे कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मानेंगे लेकिन अगर आर्टिकल में इसके रिगार्डिंग कोई भी रेगुलेशन नहीं दे रखा है तो जो कंपनी के मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर होते हैं या जो एज अ सब्सक्राइबर जिनका नाम कंपनी के मेमोरेंडम में नोटेड डाउन होता है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर तब तक बने रहते हैं जब तक कि कंपनी की जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर लिया जाता है ओके नाउ कम टू द सेकेंड मैथड सेकेंड मैथड इज अपॉइंटमेंट बाय मेंबर्स और कंपनी यानी कि यहां पर अब क्या होता है कंपनी के मेंबर्स के बहा पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है वैसे भी जनरल रूल होता है कि कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के मेंबर्स के द्वारा ही सेलेक्ट किए जाते हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैथड और मेनली जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर उनको डायरेक्टर्स uh, कंपनी के मेंबर्स के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन हैं पहला प्रोविजन है इसके अंदर अपॉइंटमेंट इन फर्स्ट जनरल मीटिंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू अपॉइंट डायरेक्टर्स एट द वेरी फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैल्ड आफ्टर इनकॉर्परेशन ऑफ द कंपनी बाई रिप्लेसिंग द फर्स्ट डायरेक्टर्स क्योंकि जब कंपनी को इनकॉर्परेट किया गया होगा तो उस समय शेयर होल्डर्स जुड़े होंगे फिर उन शेयर होल्डर्स को मैंबर फॉर्म किया गया होगा और जब मेंबर्स फॉर्म हो गए उसके बाद यानी इन कॉपरेशन के बाद कंपनी की जब फर्स्ट जनरल मीटिंग होती है या जिसे हम फर्स्ट एजीएम के नाम से जानते हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग उस फर्स्ट जनरल मीटिंग में कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं और ये मीटिंग जो होती है वो कंपनी के इन कॉपोरेशन के बाद इस पर्टिकुलर मीटिंग को हेल्ड किया जाता है और उस पर्टिकुलर कंपनी उस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या करते हैं मेंबर्स नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं उनको वो सेलेक्ट करते हैं और जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं उनसे इन डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं यानी कि अगर सब्सक्राइबर्स होते हैं और उन्हें अगर फर्स्ट डायरेक्टर सपोज किया जाता है तो कंपनी की फर्स्ट एजीएम में उन सब्सक्राइबर्स को डायरेक्टर के रोल से हटाते हुए नए डायरेक्टर्स कंपनी के मेंबर्स के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं ये तो है पहला प्रोविजन सेकंड प्रोविजन क्या है अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन यहां लॉ क्या कहता है द लॉ रिक्वायर्स दैट इन अ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी लाइवल बाय रोटेशन एट इट्स एवरी एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यानी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के टू थर्ड डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनका रिटायरमेंट रोटेशन से होगा यानी कि रोटेशन बेसिस पर उनका रिटायरमेंट होगा वो भी कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग में उसमें टू थर्ड डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए मान लीजिए कंपनी में नाइन डायरेक्टर्स हैं तो टोटल टोटल नाइन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो इन नाइन डायरेक्टर्स में से टू थर्ड कितने हो गए टू थर्ड तीन दोनों छह छह डायरेक्टर्स हो गए यानी कि सिक्स डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको रोटेशन के बेसिस पर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होना ही होगा ओके okay? इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम वन थर्ड ऑफ द टोटल टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में भी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स एंड आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड यानी कि टोटल में टू थर्ड तो हो गए रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने बचे वन थर्ड ये वन थर्ड डायरेक्टर्स कैसे होते हैं ये डायरेक्टर्स नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं और इनको एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है पॉइंट क्लियर हो गया तो पॉइंट क्या है यहां पर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के टू थर्ड रोटेशनल डायरेक्टर्स होने चाहिए और जो बाकी बच्चे वन थर्ड ये नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं और इनको एक फिक्सड पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है ये हो गया इसका सेकेंड प्रोविजन अब हम बात करते हैं इसी मेथड के अंदर थर्ड प्रोविजन को थर्ड प्रोविजन इज रिटायरमेंट एंड रीअपॉइटमेंट एट फर्स्ट एजीएम एंड सबसेक्वेंट एजीएम क्या कहना है इसका आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स एटलीस्ट वन वन थर्ड ऑफ दम सेल कंपल्सरली रिटायर एट द फर्स्ट एजीएम दिस प्रोसेस ऑल्सो कंटिन्यू एट सब्सिक्वेंट एजीएम क्या कहना है इसका इसका मतलब हुआ कि जितने भी आपने रोटेशनल डायरेक्टर्स को सेलेक्ट किया है उन टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स में से जो वन थर्ड कम कम से कम वन थर्ड डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कंपनी की फर्स्ट एजीएम में रिटायर होंगे ही होंगे क्योंकि तो टू थर्ड डायरेक्टर्स क्या है वो रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं और इसके वन थर्ड को आपको कंपनी की हर जनरल मीटिंग में कंपलसरी बेसिस पर रिटायर करना ही करना है और ये प्रोसेस कंपनी की हर सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग में कंटिन्यू रहती है ये कभी भी स्टॉप नहीं होती है जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास अगर टोटल डायरेक्टर्स हैं तो उन नाइन डायरेक्टर्स में से टू थर्ड यानी कि सिक्स डायरेक्टर्स कैसे हो गए रोटेशनल डायरेक्टर्स हो गए अब उन सिक्स रोटेशनल डायरेक्टर्स में से भी वन थर्ड लेके चलते हैं दैट इज वन थर्ड हो गए इसका टू तो दो डायरेक्टर्स हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग में कंपल्सरी बेसिस पर रिटायर होंगे और उनके प्लेस पर या तो उन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो जाएगा जिनको रिटायर किया गया है या फिर आप किसी फ्रेश पर्सन को उन पर्टिकुलर पोस्ट पर अपॉइंट करोगे दैट इज कंपल्सरी फॉलोड बाय द कंपनी ओके द थर्ड मेथड इज अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं कंपनी के अंदर कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पर भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है तो इनके द्वारा कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं द फर्स्ट वन इज एडिशनल डायरेक्टर्स ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं अगर कंपनी को यह लगता है कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के बेसिस पर कंपनी अपने पर्टिकुलर एक्टिविटीज को प्रॉपरली रन नहीं कर पा रही है और कंपनी को और ज्यादा डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो अगर कुछ और डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है तो इन डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पर इनकी वैकेंसीज को फिल कर लिया जाता है तो ऐसे डायरेक्टर को हम एडिशनल डायरेक्टर्स का नाम देते हैं क्लियर यह हो गई फर्स्ट कैटेगरी अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की सेकंड वन इज द ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर है और उसको किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से या किसी पर्टिकुलर वर्क की वजह से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है अब क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री है अब उसकी वर्किंग को किस तरीके से मैनेज किया जाए तो उसके प्लेस पर जितने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इंडिया से आउटसाइड जाता है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी एब्सेंस में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाता है तो हम उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को अल्टरनेट डायरेक्टर का नाम देते हैं और इस अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का जो राइट right रहता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में रहता है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं सच डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ड्यूरिंग द एबसेंस ऑफ अ डायरेक्टर फॉर अड पीरियड ऑफ नॉट लेस देन थ्री कि तीन महीने से कम का पीरियड होना चाहिए यानी कि तीन महीने से ज्यादा के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जाता ये भी ध्यान रखना होगा क्लियर okay? और तीसरा मेथड है इसके अंदर दर्ड वन इज डायरेक्टर फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसी इस केस में अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर के टर्म ऑफ टर्म इन ऑफिस के एक्सपायर होने से पहले उसकी पोजीशन वैकेटेड हो जाती है तो उस वैकेशन की कंडीशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज अ डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं अपने राइट्स का यूज करते हुए ठीक है बस कंडीशन क्या है कि उसकी टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने से पहले उसकी जो पोजिशन है वो वैकेंट होनी चाहिए तब उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बेसिस पर उसकी पोजिशन को फिल कर सकते हैं ठीक है यह हुई थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी आती है इसके अंदर दैट इज द नॉमिनी डायरेक्टर्स नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या होते हैं इन डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द सेंट्रल गवर्नमेंट हु इज होल्डिंग द शेयर्स इन द कंपनी जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी में शेयर्स होता है उनके बिहाफ पर इन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है नॉमिनेट किया जाता है और उनके नॉमिनेशन के बेसिस पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इन्हें कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो हम इसको नाम देते हैं नॉमिनी डायरेक्टर का ओके okay? तो ये तो बात हो गई हमारे तीन मेथड्स की द रेस्ट ऑफ द मेथड्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर यानी कि अगले लेक्चर में हम बाकी के मेथड्स को डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू